फिटनेस चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत से लोग कई तरह की शर्तें मान लेते हैं और उसे पूरा करने में लग जाते हैं, फिर चाहे उनकी हेल्थ ही खराब क्यों ना आ जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला कनाडा के टिकटॉकर्स का आया है, जिसे जरूरत से ज्यादा पानी पीना महंगा पड़ गया। 75 दिनों के फिटनेस चैलेंज को पूरा करने के लिए इन टिकटॉकर्स ने 12 दिनों तक रोजाना लगभग 4 लीटर पानी पिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा पानी पीने की वजह से टिकटॉकर के खून में सोडियम की मात्रा कम हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पिछले साल नवंबर में रिसर्चर्स ने यह दावा किया था कि मशहूर अभिनेता ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा पानी पीने से क्या लोगों की मौत हो सकती है? अगर हाँ, तो लोगों को रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे ब्रेन में एक सेंसर होता है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी होने पर हमें प्यास लगती है। प्यास लगने पर लोगों को पानी पीना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पीना चाहिए। सामान्य तौर पर सभी लोगों को हर रोज 1.5 लीटर से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर गर्मी है तो आप दिन में 3 लीटर तक पानी पी सकते हैं। बहुत अधिक पानी पीने से हमारे ब्लड में सोडियम की कमी हो सकती है, जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। यदि ब्लड में सोडियम की अधिक कमी हो जाए तो दिमाग में कमजोरी, भ्रम और सूजन हो सकती है। कई बार इसकी वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। बॉडी में सोडियम कम होने के क्या लक्षण है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है जी मिचलाना, उल्टियां होना, सिर दर्द होना, थकान, गला सूखना, शरीर की ऊर्जा घट जाना, चिड़चिड़ापन रहना, मांसपेशियों का कमजोर होना, क्रैम्प्स आना, कोमा में चले जाना। किन वजह से कम हो सकता है हमारे शरीर में सोडियम? पहला, हमारे शरीर में सोडियम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ मेडिकेशन की वजह से भी कई बार शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी या फिर लीवर से जुड़ी समस्याएं होने पर भी शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है। शरीर में जब बहुत अधिक मात्रा में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनने लगता है, इस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। डायरिया होने, लगातार उल्टियां होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिस वजह से भी शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की वजह से भी शरीर में सोडियम कम हो सकता है। शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार सोडियम लो हो जाता है। तो अगर आप भी जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो उसे कंट्रोल करें, जरूरत पड़ने पर ही पानी पिए। आप हेल्थ से जुड़ी और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।